नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कंपटीशन में जो एनटीपीसी रेलवे का है उसमें काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं जो एक दो नंबर के होते हैं। वो टॉपिक है मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों टॉपिक से एनटीपीसी के कोई भी सेट आप पीछे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, उनमें एक या दो नंबर के क्वेश्चन इनके ज़रूर मिलेंगे। तो इनके बारे में समझते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को अंत तक बने रहे, जब ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं मीन। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य और मीडियन को माध्यिका और मोड को बोलते हैं बहुलक। अब मीन एक तरह से, जैसे आपने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज आपको अच्छी तरह आता है तो मीन भी एवरेज की तरह ही होता है। तो मीन एक तरह से क्या है? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। और माध्यिका होती है मिडिल, मिडिल टर्म, बीच का पद, मिडिल टर्म। और बहुलक होता है मोस्ट ऑफन, जिसकी रिपीटेशन ज़्यादा होती है वो बहुलक होता है। तो इनको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीन। मीन स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें एक डेटा सेट हमें दिया हुआ मिलेगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है 2, 5, 8, 7, 6, एक डेटा सेट दिया हुआ मिलेगा अपने को, उसका मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, बिना फॉर्मूला बताऊंगा मैं तीनों चीज़। तो इसको मीन निकालना है तो तीनों को, सभी को जोड़ देंगे, 2 + 5 + 8 + 7 + 6, और उसमें भाग किसका देंगे, जितनी बार ये संख्या है, जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये संख्या 5 है, 5 का भाग दे देंगे। इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 और 5 7 15 7 22 और 6 28, 28/5 ये आ जाता है 5.6 आ जाता है ये, इस तरीके से। ये इसका क्या हो गया, माध्य। अब एक एग्जांपल और लिख के देखते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब ये डेटा सेट मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ लिख दिया 4, 6, 9, 8, 12, यहाँ 2 और लगा दिया। अब ये 6 डेटा सेट है तो इन सभी का मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 6 + 9 + 8 + 12, और इनमें 6 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये 6 है, 6 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है। तो ये हो गया 6 और 6 12 12 और 9 21 21 8 29, और ये 12 41 by 6, इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.8, और आगे पॉइंट में आ जाएगा 3। इस तरीके से इसका मीन क्या आ जाता है, 6.83। दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगला पढ़ते हैं मीडियन, MEDIAN, मीडियन। मीडियन माध्यिका, हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यिका। अब इसमें क्या करते हैं, एक डेटा सेट ही दिया हुआ मिलेगा इसमें भी, 2, 5, 9, 7, 6, 11, ये इस तरह का डेटा सेट दिया हुआ मिलेगा। अब इनमें बताना है इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो पहले सबसे छोटा 2 लिख दिया, फिर उसके बाद बड़ा हुआ 5, फिर 6, फिर आता है 7, फिर आता है 7, 7 के बाद आएगा 9, फिर 11, फिर 13,
अब इसमें माध्यिका का निकालना है, तो माध्यिका का निकालने के लिए तीन यहाँ छोड़ दिए, ये बीच वाला पद क्या हो गया हमारा, मीडियन, क्या हो जाएगा, मीडियन, इसे ही माध्यिका का बोलते हैं। अब ये सभी संख्या थी ये ओड टर्म में थी, ओड मतलब जैसे ये सभी संख्या गिनते हैं तो सात आ रही है, तो ये एक तरह से ओड टर्म है। अगर ये इवन टर्म में होगी तो कैसे निकालेंगे, अगर ये इवन टर्म में होती, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक संख्या आठ, अब ये इवन टर्म में हो गई, ये सभी दो चार छः आठ, आठ संख्या है तो इवन टर्म में हो गई। अब इनका निकालना है तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, आठ। अब इनका माध्य निकालना है, उसमें तो क्या करते हैं, तीन इधर छोड़ दिया तीन इधर, इसमें क्या करेंगे, चार इधर छोड़ दिया चार इधर। अब बीच वाली टर्म यहाँ आएगी, वो ही मीन होगी, तो वो मीन निकालने के लिए सात प्लस आठ, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो का भाग देंगे, तो आठ और सात पंद्रह, पंद्रह बटे दो कितना आ जाता है, ये साढ़े सात। इस तरीके से इसका मीन आ जाता है 7.5, मीडियन आ जाता है 7.5। तो ये निकाल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मोड, बहुलक। इसी में भी एक डेटा सेट दिया हुआ मिलेगा, जैसे दिया हुआ है दो पाँच सात दो आठ चार दो तीन, इस तरीके का डेटा सेट दिया हुआ है, इसमें अपने को बताना है बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। तो बहुलक वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो बार बार रिपीट ज़्यादा हो रहा है, रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे दो है यहाँ आया यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो दो तीन बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, दो। और सभी संख्या है जो एक एक बार ही आ रही है, तो इस तरीके से इसका बहुलक हो जाएगा चार दो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर इसमें चार और चार ऐसे आ रहा है, तो इसका बहुलक दो भी तीन बार आ रहा है और चार भी तीन बार आ रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा दो एंड चार, दो एंड चार, इस तरीके से इसका। अगर कोई भी संख्या अगर ऐसे दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सभी संख्या एक ही की बारी है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इसका बहुलक नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।